हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अपना ये क्या बोलते हैं अभिषेक कक्कर व्लॉग्स का चैनल ले लिया हूँ। अगर सर क्या बोलना चाहोगे आप? आपकी हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर संडे व्लॉग। यस, और एज यूजुअल ये दोनों ने उसमें लग रखे हैं। नहीं, ब्लैक कॉफी चल रही है, साथ में थोड़ी स्टडीज। देखो अभी एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिन में, और दो दिन में क्या, कल संडे है, परसों मंडे। मंडे को अपना CTSD का प्रैक्टिकल है, तो पढ़ने तो बैठना ही है। पढ़ने बैठ गए फाइनली, कितने टाइम के बाद पढ़ने बैठे हैं। और ये इन दोनों का अलग ही चल रहा है, इनको पता है, जबकि इनके बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं बीप कर दूंगा अभी इसको। जाने दो इनको, पूछ ले। बिजी हूँ मैं अभी, जरा भी नहीं, बहुत ज्यादा बिजी हूँ तुम्हारे गेम से, बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं अभी। चलो पहले पढ़ते हैं और साथ में ब्लैक कॉफी एंजॉय करते हैं। भाई ये देखो बॉडी फ्लेक्स कर रहा है यहाँ पे आके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, चैनल टू वेलकम। सेवरल आवर्स लेटर। अगर सर क्या बोलना चाहोगे आप? आपकी बैक लगी है, लगने वाली है। अरे चीता है लौंडा, कब दिए? पास थोड़ी हो रहे हो, 30 में से 15 मिनिमम में पास हो गए, 50% पासिंग है इसका, 40 से 50 कर दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये और ये दोनों ही पकड़े गए कल। अरे तू पुष्पा में नाच रही है उसके सामने, तो तेरी मेहनत पास है। मैं अपना ये क्या बोलते हैं अभिषेक कक्कर व्लॉग्स का चैनल ले लिया हूँ। अभी आज से मेरा शक्ल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेरा चैनल मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया। हाँ गाइस, कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना आजकल, क्या करें। अभी अभिषेक कक्कर व्लॉग्स को अभी कंटेंट नहीं मिल रहा, तो मैसिव ब्लेज़ हियर फॉर द कंटेंट। जरूर जरूर, इतना कंटेंट दे रहा। ये फिर बीप करना पड़ेगा एडिटर, थोड़ा सा अच्छे से एडिट करना अपना। अभिषेक कक्कर व्लॉग्स अभी बहुत सिनेमैटिक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है। काफ़ी प्रोग्रेशन दिख प्रोग्रेस दिख रहा है गाइस अपने अपने व्लॉग में, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत इंग्लिश बोल रहा है मान लो ने, ऑब्वियसली वे मेरे मेरे अपने जो लॉयल फैंस, नहीं बोलूँगा यार, मतलब क्या लॉयल कम्युनिटी है। हाँ, लॉयल कम्युनिटी अपने जो व्यूअर्स है ना, आड़ू व्यूअर्स है। इसकी डिक्शनरी मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ब्लॉग हैंड ओवर किया तो किया, सारा मेरे को रोस्ट कर रहा। अरे यहाँ से हरियाली याद दिखती है, ये जीवन में हरियाली क्या वाला हो कुछ। गाइस पिछले मेरे एक ब्लॉग था, उसमें भी जो भाई ने पहले पिन नहीं किया था, उसके बाद मेरे कमेंट करने के बाद पिन किया था ब्लॉग। अच्छा, ये क्या सीन है? आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक नहीं था पहली बात, उसके बाद जब मैंने कमेंट किया उसके बाद आपने लिंक डाला था और मेरे को कमेंट बैक किया था। आपने अपना कल्पना भवन गाइस, अभी ये मेस्सी है बोल रहे थे, मेस है भाई, ये मेस्सी है, ये नीचे वाला मेस है बोलते गाइस, और ये ऊपर वाला जो है ओपन, अबे ओपन कैफे है बोलते, जो भी है। हाँ भाई, सिटिंग एरिया ही हो गया। अच्छा है गाइस, ये भी अच्छा ढंग से चलने वाला है। क्या ये कल्पना गर्ल्स हॉस्टल है ना? हाँ, मिल्खा वालों के लिए भी है। मिल्खा भी यहाँ पे, मिल्खा भवन कहाँ पे? मेरे ब्लॉग में जब हरियाली बता रहा था मैं, तब एक ही शॉट डाला, उसके बाद पूरा कट है, पता है क्या, वो पूरा वेस्ट गया मेरा, उसका क्या करने का। हरियाली, मैं वो वाली हरियाली की बात कर रहा था। अच्छा, आप इस हरियाली की बात, अभी अभी ये हमारा बच्चा ना इतना इतना छोटा रह गया कि वो हरियाली की बात करे। अच्छा, छोटा ही हूँ भाई मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दाढ़ी तो ऐसी उग गई है, 20 साल का हुआ हूँ तो क्या ही है यार, कौन सा बड़ा, इतना बड़ा थोड़ी हूँ मैं, अभी तो बच्चा हूँ मैं। चलो गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया मैं अभी उसको, डायरेक्ट 3-4 दिन का। मैं क्या बोल रहा तेरे को, एक एक मिनट हर डेली डालता है क्या तू, तो एक एक मिनट ले।
अच्छा ये कौन है विपुल है क्या नहीं वो ये मत डाल देना। A few moments later अभी हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करके आ चुके हैं। यस यस और बहुत अच्छा गया इस महाशय कब कल मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया पर इसका प्रैक्टिकल ये सब मत बोला करिए। अभी तो हम लोग अपनी ट्रिपल ई की मैनुअल लेने जा रहे हैं क्योंकि सर जा चुके हैं वैकेशन पे और हमारी मैनुअल हमें मालूम ही नहीं कहाँ पे अभी जाके मैनुअल लेते हैं। देख ले आया ना तेरे को एडमिन में फायदा हो गया ना। एडमिशन शुरू हो गया ना। चलो चले ये भी कैमरा उठा लेता है ये मैं भी कैमरा उठा लेता हूँ। हाँ जी सो आई एम बैक एट माय रूम। प्रैक्टिकल वगैरह देके आ चुकी है डीटी का। क्या आसान प्रैक्टिकल था और इसका जो पीछे आ रहा है बंदा इसका सीटीएसडी का था। कैसा रहा तेरा प्रैक्टिकल प्रॉपर? अच्छा गया? बढ़िया है सर। ये इसका भाई ये लास्ट बैच वालों के क्या मजे हैं। अपने सुबह सुबह जाना पड़ता है यार ना नींद पूरी होती है। वैसे भी आजकल रातों की नींद उड़ रखी है पता नहीं किस कारण किसी लड़की की वजह से तो नहीं उड़ी बता देते हैं क्योंकि आजकल ये नींद उड़ने के कारण को काफ़ी वो समझा जाता है कि कोई लड़की की वजह से उड़ी होगी पर अपनी नहीं उड़ी है अपनी किसी और पता नहीं किस कारण से उड़ी है पर नींद उड़ रखी है। क्या मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ये इसका लास्ट बैच है 3:30 to 4:30 इसका प्रैक्टिकल है और हमारा 9:45 to 11:30 होता सुबह। इनके वक्त टीचर थक जाता है प्रैक्टिकल वाई वाले लेते लेते इनसे इतना आसान लेता है ना और हमारा स्टार्टिंग में ही फर्स्ट बारी में ही मम्मा क्यों रखा मेरा नाम अभिषेक तुझे कोई और रख दें नाम ए तो ही रख देंगे भावे पर सेकंड वर्ड कुछ और रख देंगे ए बी जरूर रखना सीगा माय नेम क्योंकि मेरी परदादी जी ने मेरा नाम रखा था जैसे कि मेरे पापा ने मेरे को बताया मेरे पापा और मेरी परदादी जी ने मिलके मेरा नाम रखा था। आई लव माय ग्रैंड पेरेंट्स सो आई लव माय नेम। तो चलो बस फिर इस व्लॉग में इतना ही था और अपने प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं तो अगले व्लॉग्स थोड़े लेट आएंगे ये भी थोड़ा लेट ही जाएगा व्लॉग पर लेकिन अब जब तक हमारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते तब तक मैं शायद ही कोई ब्लॉग अपलोड करूँगा। तो बस जितना भी था इस वीडियो में एक बार सब्र कर लेना बाद में मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद। सो दिस वॉज इट फॉर दिस ब्लॉग मीट यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर सी यू बाय।